फ्रेंड्स वेलकम बैक टू कैमरा कुकिंग विजय। और फ्रेंड्स इन दिनों गर्मी में धूप बहुत तेज है, तो सोचा क्यों ना हम घर बैठे साबुदाना के पापड़ बनाएं। साबुदाना के पापड़ के बहुत ही आसान और इजी रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये पापड़ बहुत ही करारे और कुरकुरे होते हैं और इन्हें हम साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देख किस बात की फ्रेंड्स, चलते किचन की तरफ बनाना शुरू करते हैं साबुदाना पापड़ की रेसिपी। कटोरी साबुदाना लिया है और इसे एक से दो पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे हम। अब हम इसे और एक बार पानी से धो लेंगे अच्छे से और इसका पानी भी हम अच्छे से इसे ड्रेन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने दो पानी से इसे धोकर रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैं पानी गर्म होने के लिए रखूंगी। मैंने जिस मेजरमेंट से साबुदाना एक कटोरी लिया था, तो 7 कटोरी यहाँ पानी लेंगे और ये 7 कटोरी पानी हमने इसमें गर्म होने के लिए रखा है। और अब पतीले को हम ढक देंगे और उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं पानी उबल रहा है, तो अब इसे हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमने जो ये साबुदाना भिगो कर रखे थे वो इसमें डालकर इसे भीगने के लिए रखेंगे। अब हम इसे ढककर रात भर के लिए भीगने के लिए रख देंगे। इसे पूरी रात यानी 10 घंटे भिगोने के बाद ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से साबुदाना हमारा फूल गया है। तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीस कर हम बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें ऑलरेडी पानी है तो एक्स्ट्रा पानी डालने की हमें जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके हम पीस कर रेडी कर लेंगे। तो देखिए बिना पानी डाले इस तरह से घोल तैयार हो गया है। तो अब इसी तरह से मैं बाकी पीस कर भी रेडी कर लूंगी। तो मिक्सी में पीस कर इसका बैटर कुछ इस तरह से तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और साथ ही हम डालेंगे छोटा चम्मच या 1/2 छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक हल्का ही लगता है, पापड़ बहुत ज़्यादा नमकीन अच्छे नहीं लगते। और इन्हें डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक मोटी प्लास्टिक ली हुई है और इससे थोड़ा थोड़ा घोल हम लेंगे और इस तरह से इसमें डाल के फैलाएंगे। ये अपने आप स्प्रेड होगा फ्रेंड्स। थोड़ी थोड़ी दूरी में हमें करना है, ये अपने आप स्प्रेड होंगे पापड़। पापड़ को फ्रेंड्स हम धूप में सुखा लेंगे। करीब 2 दिन की धूप हमें दिखानी पड़ेगी, तब जाके ये पूरे सूख के तैयार होंगे। 2 दिन की धूप में मैंने इसे सुखाया है और आप देख सकते हैं ये सूख कर एकदम कड़े हो गए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पापड़ मेरे कैसे बने। फ्रेंड्स यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा। अब इसमें पापड़ डालूंगी और आप देख सकते हैं पापड़ कितने अच्छे से फूल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट बने ये पापड़। चलिए अब इसे हम सर्व करें। फ्रेंड्स कितने पूरे पूरे और आपको दिखाएं कितने कुरकुरे पापड़ बनके तैयार है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे करारी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।